मी वैष्णवी. आपण पाहतात इंडियन टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे. तर आता नजर टाकूया आजच्या विशेष घडामोडींवर. गुरु पौर्णिमेनिमित्त कल्याण येथील अब्दुल बाबा यांनी भाविकांशी संवाद साधलाय. गुरु पौर्णिमेनिमित्त बोलताना केवळ गुरु केल्याने भागणार नाही तर गुरूंनी दिलेली शिकवण आचरणात आणणे महत्त्वाचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्याचप्रमाणे आई वडील व इतर वडीलधारी माणसे यांना वंदन करणेही गुरुपूजनासाठी आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. सबसे पहला सारे पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे मानने वाले उन सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं. आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम पूरे देशवासियों से गुजारिश करेंगे कि आप जिन जिन लोगों को गुरु मानते हैं उनकी भी मानने की आदत डालिए. गुरु मानना और गुरु की बातों को मानना ये दोनों चीज़ डिफरेंस है, अलग अलग है. और गुरुओं का भी काम है कि अपने शिष्यों को अच्छी सीख, अच्छी सलाह, अच्छी बातें बताए जिससे उनका जीवन खुशियों से रहे, आपसी मतभेद खलास होए, अड़ोस पड़ोस में मोहब्बत से रहे, अपने उस्ताद अपने बड़ों की इज्जत करना, अपने माँ बाप की इज्जत करना. गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे पहले हर शिष्य का काम है, हर बच्चे का काम है कि वो उठने के बाद स्नान वगैरह करने के बाद अपने माँ पिता के चरण छुए, उनका आशीर्वाद ले. उसके बाद वो जिसको गुरु मानता है अगर स्कूल में है तो अपने टीचरों के पास जाए, उनका आशीर्वाद ले, उनकी दुआएं ले. अगर वो किसी बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं तो उनसे जाके मिले. आजकल इसको एक फैशन की तरह लोग देखते हैं, गुरु पूर्णिमा मतलब ठीक है व्हाट्सएप पे एक गुरुजी मैसेज कर दिए कि नहीं, ये व्हाट्सएप आपको दूर कर रहा है, नज़दीक नहीं कर रहा है. आप गुरु के चरणों में जाके उनका आशीर्वाद लोगे तभी जा कर के आपके और उनके प्रति प्रेम कायम रहेगा, प्यार कायम रहेगा और आप उनसे कुछ सीख सकेंगे. अभी बहुत सारे लोग हैं हमारे मानने वाले जो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया से लोग हमें मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं. अभी लॉकडाउन है उसकी वजह से हम लोगों से नहीं मिल पा रहे, नहीं तो हर साल हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और बड़े हमको आशीर्वाद देते भी है. अभी हम इतने बड़े गुरु नहीं हैं कि हम आपको लोगों को आशीर्वाद दें, हम भी बहुत छोटे व्यक्ति हैं लोग, मगर हमारे से जो उम्र में बड़े होते हैं हम उनको खुद बोलते हैं कि आप हमारे हक में दुआ करिए कि हम हमारे अंदर की जो भी कमियां हैं, जो खामियां हैं वो दूर हो जाए. और हम हमसे जो छोटे उनको ये सिखाते हैं कि आप सबसे पहले अपने परिवार के बड़ों से मिलो, उनका आशीर्वाद लो और इस दुनिया के बनाए हुए नियमों को फॉलो करिए. सध्या कोरोना प्रादुर्भाव रोखणे गरजेचे असल्याने सर्वांनी कोरोना निर्बंधांचे पालन करावे असे आवाहनही अब्दुल बाबा यांनी यावेळी केले. अभी लॉकडाउन जैसे माहौल में अभी बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, आज गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी छूट क्या मिली है, लोग बाजार में ऐसे ही चल रहे हैं बिना मास्क के, कोई सैनिटाइजर नहीं, लोग ऐसा समझ रहे बीमारी चले गई है. नहीं, अभी बीमारी नहीं गई है, अभी बीमारी है. हाँ, अभी पहले के दौर के हिसाब से, पहले के हिसाब से बीमारी का जो डर है वो लोगों के दिल से निकल गया है, मगर आज भी तकलीफ बहुत सारे लोगों को है. तो आपको उस बीमारी का ख्याल करते हुए अगर आप लोग गुरु समझ के मुझसे दर्शन को आ रहे हो या मुझसे फ़ोनों पे बात करते हो या व्हाट्सएप के ज़रिए, तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने अपने एरिए के अंदर, अपने अपने मोहल्ले के अंदर घरों से निकलते हैं तो मास्क लगाइए, जो बनाई हुई गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करिए. यंदा कोरोना निर्बंधांमुळे गुरु पौर्णिमेचे कार्यक्रम रद्द झालेत, तरी भक्तांनी सध्या अडचणीत असणाऱ्यांची मदत करून हा दिवस साजरा करावा, अर्थात जनसेवेतून गुरुपूजन करावे असे आवाहनही त्यांनी केले व सर्वांना गुरु पौर्णिमेच्या शुभेच्छा दिल्या. आज गुरु पौर्णिमा के दिन आप गुरु के नाम से कहीं कोई गरीब को खाना खिला दो. अभी बाढ़ जैसा दौर चल रहा है, जहाँ जहाँ जगह जगह स्लम एरियों में पानी है, गुरु के नाम से कभी हो सकता है दो कंबल बांट दो, हो सकता है दो प्लास्टिक की चटाई दे दो. उनके घर में बिस्तर नहीं है, जिनके घर में पानी अगर दो दो चार चार फुट आया है तो वो उन्हीं के घर के हालात उनको पता है. हम अक्सर देखते हैं लोगों को
दो वड़ा पाव, दो केला एक दे के फोटो निकाल के डाल लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, डालिए, इससे लोगों का हौसला मिलेगा, लोगों को ये, मगर किसी की बेइज्जती ना हो इसका ध्यान रखिए। अगर आप खाना तो कोई भी दे रहा है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उसको ऐसे बाढ़ जैसे माहौल में आप अगर हो सकता है 100 रुपये की हल्की वाली ब्लैंकेट दे देंगे तो उसके बच्चे गर्म ओढ़ के सो सके, एक प्लास्टिक की चटाई दे देंगे तो वो सूखे में सो सकेंगे। तो गुरु पूर्णिमा को इस अंदाज में भी तो हम मना सकते हैं ना। हर साल लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, दरगाह जाते हैं, मेरे दरबार में लोग आते हैं, बड़े बड़े गुलदस्ते लेके आते हैं, तो उसके पीछे हमारा 200-300-500 हज़ार खर्चा होता है ना। तो हम ये सोच लो इस बार हम वो 500 रुपये किसी गरीब के घर जा कर के 1-5 किलो राशन दे देंगे, या 2 चटाई दे देंगे, या उसके घर का बल्ब उड़ गया है वो दे देंगे, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। अभी बताने की बात नहीं है, मुझे एक मैसेज आया कि बाबा जी मुझे 1-2 बाल्टी दिलाएंगे क्या, बाल्टी ये 150-150 रुपये की बाल्टी आती होगी। मैंने पूछा तो बोले वो घर में सब बह गया तो बाल्टी बह गई, हमारे घर में बाल्टी नहीं है पानी के लिए। तो ये बहुत छोटी चीज़ है मगर उनकी वो ज़रूरत बहुत बड़ी है ना। तो हम ऐसा भी कुछ सोच सकते हैं ना कि हम ऐसे तरीके से लोगों की मदद करें, और गुरु पूर्णिमा में अगर ऐसा सब काम करेंगे तो आपका गुरु खुश, आप जिस भगवान को मानते हैं वो खुश, इंसानियत खुश। और समय किसी का कभी एक जैसा नहीं होता, कभी भी वक्त बदलता है, तो हमको हर वक्त ज़मीन देख करके चलना चाहिए कि हम ज़मीन पर रहे, कि ताकि कभी भी समय इधर का उधर हो तो हमको कोई फ़र्क ना पड़े। तो इसलिए जितने भी साहिबे माल हैं, ताकत रखते हैं, 150-500 खर्च कर सकते हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने अपने एरिए में, मोहल्ले में जाइए, गुरु जिस गुरु को मानते हैं आप उस गुरु के नाम से कहीं ना कहीं कुछ दान धर्म करिए, यही आपकी आखिरत के लिए काम आएगा। धन्यवाद, सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन टीवी न्यूज। या होता इंडियन टीवी न्यूज। तुम्हाला आमच्याशी संपर्क करायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क करू शकता, 9320420420। तर आता वेळ झाली आहे निरोप घेण्याची, उद्या पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी, तोपर्यंत धन्यवाद।